नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सवाल को लेकर जिसको पूछा है किसी सब्सक्राइबर ने, किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर, ब्लेंडर सीखकर 3D एनिमेटर या मॉडलर बन सकते हैं क्या? तो चलिए फिर इसी के बारे में बात करते हैं, और ये सवाल भी काफी जेन्युइन है, बढ़िया सवाल है। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपको ब्लेंडर सीखनी है और अगर आप चाहते हो कि ब्लेंडर सीख कर हम एनिमेशन या डिजाइनर बन सकते हैं कि नहीं, मॉडलर बन सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एनिमेटर और मॉडलर आप किस पर्पस में बात कर रहे हैं। देखो, एनिमेशन आप अगर ब्लेंडर सीख जाते हो तो ब्लेंडर सीखने के बाद आप 110% आपको मॉडलिंग आ जाएगी, आप एनिमेशन कर सकते हो, आप इफेक्ट्स कर सकते हो, मैच मूव कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं कि एनिमेटर या मॉडलर, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं फिल्मों में काम करने की, या क्या बात कर रहे हैं आप फ्रीलांस करने की, क्या आप बात कर रहे हैं किसी एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने की, या फिर क्या आप बात कर रहे हैं किसी ब्रांड के लिए काम करने की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम ब्रांड की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, मिंत्रा ऐसे कई बड़ी कंपनियां हैं जो लोग 3D आर्टिस्ट को हायर करती हैं। अगर हम बात करें एनिमेशन में फिल्मों की, तो फिल्मों में भी ऐसी चीजें हैं जहां पे एनिमेशन का काम होता है, और डेफिनेटली होता ही है। अगर हम बात करें एजुकेशन इंडस्ट्री की, तो उसमें बाइजू और अनअकैडमी, यूडेमी ऐसे कई सारे जो कंपनी है वो लोग भी हायर करते हैं 3D आर्टिस्ट या मॉडलर को, या फिर कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी एनिमेटर और मॉडलर को हायर करते हैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए, अपने कोर्स करिकुलम, अपने कोर्स कंटेंट को तैयार करने। वहीं पे अगर आप बात करें फ्रीलांस की, तो फ्रीलांस में भी कई सारे ऐसे रिक्वायरमेंट आती है जहां पे आप प्रोडक्ट मॉडलिंग, कैरेक्टर मॉडलिंग, सेल्स मॉडलिंग, एनवायरमेंट मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करके भी आप पैसे कमा सकते हो। तो अब आप किस पर्पज से बात कर रहे हो? तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ब्लेंडर सीखकर एनिमेटर या मॉडलर बना जा सकता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल बना जा सकता है। तो जी हाँ बिल्कुल बना जा सकता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं फिल्मों की, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं फिल्मों में एनिमेटर बनने के लिए, तो शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तक इंडिया में जो पाइपलाइन है वो ब्लेंडर का नहीं आया है, तो ब्लेंडर पे लोग काम नहीं कर रहे। ज्यादातर एनिमेटर या मॉडलिंग के लिए, ज्यादातर खास करके एनिमेशन के लिए माया, और मॉडलिंग के लिए जीब्रा, सबस्टेंस पेंटर, माया, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको एनिमेशन फिल्म बनानी है या फिर फिल्मों में काम करनी, यानी कि जो एनिमेशन की इंडस्ट्री है, या बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर साउथ की इंडस्ट्री, अगर आपको इन फिल्मों में एज अ 3D आर्टिस्ट या एनिमेटर काम करना चाहते हैं, देन 110% आपको माया वगैरह सीखना पड़ेगा। शायद वहां पे आपको ब्लेंडर हेल्प नहीं करेगा। बट जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लेंडर सीख के भी एक अच्छा खासा एनिमेटर और एक अच्छा खासा 3D मॉडलर या स्कल्पटिंग आर्टिस्ट बना जा सकता है, और बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे भी काम किया जा सकता है। जी हाँ, ऑब्वियसली फिल्मों से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप आसानी से काम कर सकते हैं अगर आप ब्लेंडर सीखते हैं। ब्लेंडर सीखना भी आसान है, टोटल ओपन सोर्स है, यानी कि आपको फ्री में सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और आप खुद की चैनल स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे खुद की 3D वीडियोस बना सकते हो, बहुत सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो बिंदास तरीके से, और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ब्लेंडर सीख कर भी लोग 3D मॉडलर या फिर एनिमेटर बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत क्विकली मैंने समझाने की कोशिश करी है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल रह गया हो, या कुछ आप जानना चाहते हो, कमेंट करके बताइए। और जी हाँ, अभी हमने हाल ही में एक करियर वाला 24 उस आईडी का नाम है इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया है, आप उसे जाकर फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर आपको हर सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो IT की हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हम वहां पर देने वाले हैं। तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें, उसे फॉलो करें, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दो, जो करना है करो, पढ़ाई पे ध्यान देना। लेकिन भाई, सब्सक्राइब करो ना करो चलेगा, जो करना है करो, वैसे भी मेरे कहने से कुछ होता नहीं है, आपकी दिल करेगी तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है, क्योंकि अपना अपना होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में रखते इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, जय हिंद, जय भारत।